नानी की क्या लगती है? देवती। हाँ। नहीं, केजी में नहीं पढ़ती थी मैं, यहाँ बड़ी क्लास में पढ़ती थी। हाँ, ये है मेरा स्कूल, ये वाला बेटा मेरे स्कूल का। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जी, अभी हो रखा है शाम का समय और शाम के 7:15 का टाइम हो रखा है। तो हम लोग जा रहे हैं एक पार्टी में, फिर से एक पार्टी है ना, मतलब आज की पार्टी है एनिवर्सरी पार्टी, और वो भी 25th एनिवर्सरी, और वो भी मेरे चाचा जी और चाची जी की। तो हम वहीं जा रहे हैं सारे के सारे, हम चारों। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ, बस हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आप सब, आपको मेरे मम्मी पापा भी मिलेंगे क्योंकि भी घर की पार्टी है। तो बस हम पहुँच गए हैं, तो चलिए चलते हैं। उधर ना इसका हाथ पकड़ लो, बस पकाने दो फोन अपना, आ जाओ। हाँ, यहीं पर है नानी का जन्मदिन। नमस्ते जी, मुबारक हो। मेरे को कही हो, आप मेरे देवर बने थे आज के दिन। कहाँ है नानी? हो रही नानी, आजा नानी मिलाऊं। मुबारक हो चाची जी, ऐसे ऐसे हमारे। तो जी देखिए, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर और सोना लग गई अपने खेल में, क्योंकि वहाँ पर लगे बहुत सारे बलून और उसको बलून बहुत प्यारे हैं, तो इसलिए अब वो एक आध उठाएगी और फिर डांट भी खाएगी, क्योंकि अभी तो फंक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर ना अभी देखो ज़्यादा लोग नहीं आ रखे हैं, 6 बजे का टाइम था, लेकिन हम लोग फिर भी 7 बजे के आसपास ही आए थे, मतलब 7:15 हो गए होंगे पहुँचते, और नहीं आ रखे थे ज़्यादा लोग ना अभी तक। तो यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सब इनके मतलब जैसे 2-4 पड़ोस के होंगे और बाकी इनके रिलेटिव ही हैं चाचा जी के। और फिर मैंने यहाँ पर आकर के मम्मी पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई हम लोग तो आ गए, आप लोग भी आ जाओ। तो ये बुआ जी हैं, ये मौसी और वो मम्मी। देखो खाया जा रहा है हाथ चाट चाट करके, ऐसे होता है। और पीछे चाची जी बैठी हुई हैं, और ये देखिए ये रेड साड़ी में चाची जी हैं जिनकी एनिवर्सरी है, और ये इनकी बहनें हैं, और जो इधर खड़ी हैं लेफ्ट साइड में वो उनकी भाभी थी। तो जी देखिए, ये मेरे पापा जी और यहाँ पर ताऊ जी फूफा जी सब। तो अब नंबर है गिफ्ट देने का, तो मैंने तो गिफ्ट ना पहले ही दे दिया था, मतलब मैं जैसे पहुँची उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने कहा कि ये वाला काम ख़त्म करा जाए, भाई गिफ्ट करना फिर संभालना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पर मम्मी और पापा जी उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं दोनों को। तो ये देखिए, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ इनकी। ये देखिए, और ये है रिंग जो चाचा जी और चाचा जी ने एक दूसरे को पहनाई थी, और ये देखिए बुआ जी है। तो ये रिंग लेके खड़ी थी, मैंने कहा बुआ जी आपकी फ़ोटो भी खींचती हूँ। अब यहाँ पे होएगी खूब सारा डांस, खूब सारी मस्ती, और जो गाने बज रहे थे उसके हिसाब से अगर मैं लगाती ना तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो म्यूजिक मेरे पास है मैं उसी को लगाऊंगी, आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि 25वीं सालगिरह के अपने मज़े होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आकर के हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत मज़ा आया कि वाह मज़ा आ गया सच में। वैसे तो मैंने अभी तक 2 या 3 अटेंड किए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आया, शायद इसलिए कि चाचा जी की शादी में भी हम गए थे और यहाँ पर भी थे हम, तो
पुराने दिन याद आ गए कि हाँ किस तरीके से किया था। तो हम ऐसे बोल रहे थे, भाई देखो चाचा जी, हम तब भी थे और अभी भी देख लो, दोबारा से भी आ गए हम लोग ना, क्योंकि पास में रहने का यही फायदा होता है। अगर दूर कहीं मेरी शादी हो रखी होती तो फिर मुश्किल होता है ना आना। तो ये देखिए सब, अब यहाँ पे सब बोल रहे थे भाई डांस करो डांस करो चाचा जी से ना। तो चाचा जी को थोड़ी झिझक लग रही थी उस समय ना, तो फिर हमने बोला अरे आप तो इस बात के लिए जाने जाते हो डांस करो, क्योंकि उन्हें बेहद पसंद है डांस करना ना। और जब मेरी शादी हुई थी तब भी चाचा जी ने, मतलब ये देखिए बारात को लेने जाते हैं ना जैसे, तो चाचा जी और गए थे बारात लेने के लिए, और बारात के साथ ना खुद ही डांस करते हुए आ रहे थे। उनको डांस करना इतना, मतलब इतना पसंद है। फिर थोड़ी देर तो चाचा जी झिझके शर्माए कि अरे नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर चाचा जी स्टार्ट हो गए डांस करने में। फिर चाचा जी ने सबने डांस किया, और उनकी बहनें डांस कर रही हैं, ये देखिए ये उनकी बहन है। देखो पहले तो जा रहे थे चाचा जी, कह रहे अरे मेरे को जाने तो जाने दो, फिर चाचा जी लग गए डांस करने के लिए। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए और बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप लोग भी ने अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि ऐसी इनकी जोड़ी बनी रहे। और अभी 25 ही मनाई है, फिर 50 ही मनाएं, तो चलिए इंजॉय करते हैं वीडियो को। ये देखिए यहाँ पर चल रहा है डांस। तो अब लेडीज़ डांस करेंगी, क्योंकि हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए ऊपर, ऊपर वाले फ्लोर पर था खाने का इंतज़ाम। और ये मैरिज होम है, और ये चाचा जी और कहीं मैरिज होम है, तो उन्होंने यहीं पे कर रखा था सारा अरेंजमेंट। तो ये देखिए अब सब डांस पार्टी होएगी। तो ये देखिए हम मम्मी नाच रही थी, और ये मेरी ताई जी बैठी हैं। तो मम्मी ऐसे बैठे बैठे नाच रही थी, फिर मम्मी ने बोला पापा से आ जाओ आप भी मेरे पास बैठ जाओ। मम्मी को लगा शायद पापा जी भी थोड़ा हाथ लगे, लेकिन नहीं, पापा जी बिल्कुल नहीं डांस करते हैं, और मम्मी को अच्छा लगता है डांस करना। फिर इसके बाद हम लोग चले गए थे घर पर मम्मी के यहाँ पर ना, क्योंकि बच्चे तो पहले ही चले गए थे, मतलब नैना चली गई थी पहले ही, और इनके पापा लग गए थे अपने दोस्तों के साथ, तो उनके पास बैठे हुए थे। और फिर मम्मी ने बोला कि बहुत देर हो जाएगी अभी ना, तो फिर चलो घर चलते हैं। फिर हम चले गए थे मम्मी के साथ घर पर, और ये देखिए यहाँ पर सब डांस कर रहे हैं। और सोना ऐसी घुस जाती है डीजे पे ना, उसको भी अच्छा लगता है ऐसे ना, म्यूजिक बज रहा होता है लाइट जल रही होती है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है देख करके। तो यहाँ देखिए ये सब खड़े हुए हैं। चलिए मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ कि कहाँ पर थी शादी। तो जब हम आए थे तो हम दूसरे गेट से, हम लोगों ने एंट्री की थी, तो तब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो अब जा रहे हैं मम्मी, थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि देखो यहाँ पर थी शादी। तो ये है चाचा जी का मैरिज होम। तो चलिए दोस्तों अब कल मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय।